नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निरंजन और आप देख रहे हैं इन्फोनील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो वेट लूज तो करना चाहते हैं, अपने बॉडी को फिट भी रखना चाहते हैं, पर उन्हें डाइटिंग और एक्सरसाइज बहुत ही बोरिंग और टायरिंग लगता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 7 ऐसे वेट लॉस हैक्स जिसे यूज़ करके आप अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं और अपने आप को फिट भी रह सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स है जिससे कि आपका जो वेट लूज जर्नी होगा वो बोरिंग भी नहीं होगा और ज़्यादा टायरिंग भी नहीं होगा। इसे आप डेली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं किसी भी फूड या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैक नंबर 1, सेट रियलिस्टिक गोल्स। जब भी आप वेट लूज करना चाहे या फिट रहना चाहे, एक रियलिस्टिक गोल बनाइए जो कि आप अचीव करना चाहते हैं और कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और ने मान लीजिए 3 महीने में 20 किलो वेट लूज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही गोल सेट करना है। आप अपने बॉडी के अनुसार, अपने माइंड के अनुसार अपना गोल सेट कीजिए तो ही आप जाके उसको अचीव कर पाएंगे। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करेंगे तो बहुत ही जल्द आप डीमोटिवेटेड भी हो जाएंगे और साथ ही साथ अपना गोल अचीव भी नहीं कर पाएंगे। हैक नंबर 2, ईट एट एवरी 3 आवर इंटरवल। दोस्तों, मैंने देखा है कि जब भी हम दिन में सिर्फ 3 मील लेते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच करने के समय हमें ज़्यादा भूख लग जाती है और हम अनहेल्दी खा लेते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं। उसके बाद हम जब डिनर करते हैं तब भी सेम केस होता है कि हमें ज़्यादा भूख लगती है और हम ज़्यादा खाते हैं और अनहेल्दी खाते हैं। उसके जगह पे अगर आप हर 3 घंटे में छोटे छोटे मील लेते रहेंगे तो इससे आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगेगी और आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि हमेशा हेल्दी खाने की, क्योंकि आपका इससे बॉडी भी अच्छा रहेगा और आप कम कैलोरी भी कंज्यूम करेंगे और जिससे कि आपके शरीर में फैट भी नहीं स्टोर होगा। हैक नंबर 3, वाटर। हर दिन कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीने की आदत डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप सुबह उठे तो खाली पेट हल्का सा गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और उस पानी को पी जाइए। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है और रात में जो आपने खाना खाया है वो अच्छी तरह से पच भी जाता है। इसके अलावा भी जब भी आप कोई मील लेने जाए उससे आधे घंटे पहले अगर आप 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो इससे आपका भूख जो है वो भी आपका कम हो जाता है और जब आप खाना खाते हैं तो वो भी आप कम खाते हैं जिससे कि आपके शरीर में कम कैलोरी जाती है और आप ओवर ईटिंग से भी बचते हैं। हैक नंबर 4, फिटनेस ऐप। आज के दुनिया में लगभग हर इंसान के पास स्मार्टफोन होता है। अगर आपके पास भी स्मार्टफोन है तो वेट लूज करना कौन सी बड़ी बात है। अपने स्मार्टफोन में जाइए और वहाँ से तरह तरह के फिटनेस ऐप आपको मिल जाएंगे। जो भी फिटनेस ऐप आपको अच्छा लगे या जिसमें कस्टमर रेटिंग अच्छा हो उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने डिटेल्स डालिए और हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए कि किस दिन आप कितना वेट लूज कर रहे हैं, आप कौन सा खाना खा रहे हैं, वहाँ से उसका कैलोरी चेक कीजिए और किस दिन आपने कितना कैलोरी खाया है इसको भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप डेली मोटिवेटेड रहेंगे और आपका वेट लूज जर्नी उतना ही अच्छा रहेगा। हैक नंबर 5, ऑप्ट फॉर स्मॉलर प्लेट। जब भी आप खाना खाएं किसी छोटे से प्लेट में खाइए। उस छोटे से प्लेट में आप जितना पोर्शन खाना लेंगे उससे आपको लगेगा कि आपका प्लेट जो है वो पूरा भरा हुआ है, जिससे आपके माइंड को लगेगा कि आपने एक फुल प्लेट खाना खाया है। वही पोर्शन खाना अगर आप बड़े प्लेट में रखेंगे तो आपके माइंड को लगेगा कि आपका प्लेट अभी भी आधा खाली है और जिससे कि आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जब आप खाना ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि बड़े से प्लेट में एक पोर्शन खाना ठीक प्लेट के बीच में दिया जाता है, जिससे कि वो देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है पर आपका प्लेट जो है वो आधे से ज़्यादा खाली रहता है, जिससे कि आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट और कुछ और ऑर्डर करूँ, जिससे कि आप ज़्यादा खाते हैं और जिससे कि रेस्टोरेंट का बिल भी आपका बढ़ता है। ये तो है रेस्टोरेंट का ट्रिक जो रेस्टोरेंट वालों ने इस्तेमाल किया है और अपना बिजनेस बढ़ाया है। तो आप भी इस ट्रिक को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए और अपने वेट लॉस में हेल्प कीजिए खुद को। हैक नंबर 6, डू फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रोज एक्सरसाइज करना है या जिम जाना है। अपने डे टू डे लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी को ढूंढिए। लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज़ कीजिए। जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो किसी जगह पे बैठे मत रहिए, आप चलते फिरते हुए फ़ोन पे बात कीजिए। कभी ऑफिस में फ्री बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं घर पे, तो उस टाइम भी अपने बॉडी का मूवमेंट कीजिए ताकि आपका जो है बॉडी का मूवमेंट चलता रहे, जिससे कि आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प होता रहे। हैक नंबर 7, वेयर टाइट क्लॉथ्स। जब भी आप कपड़े पहने तो थोड़े से टाइट कपड़े पहनने की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इससे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल ज़रूर फील करेंगे पर आपके माइंड में हमेशा ये अलर्टनेस रहेगी कि आपने वेट गेन किया है और आपको जल्द से जल्द अपना वेट लूज करना है और इस कपड़े को आपको लूज करना है, तो हमेशा टाइट कपड़े पहनने, इससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वेट लूज करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे वो 7 हैक्स जिसे बहुत ही इजीली आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपना वेट लूज कर सकते हैं और खुद को फिट रख सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए हेल्दी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।